Good morning, class. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Okay, so as you all know, I am your new teacher of operating system subject. Okay. Myself, Nidhi. आप लोगों को नाम तो पता ही होगा. And as per my knowledge, your module 1 was completed. So how was your exam? How was your exam, Meta? I want to tell you one thing. I want to have an interactive session, okay? I do not want that I'll tell you everything, I'll keep on, saying something. It should not be like this. I want response from your side also. I randomly call students' names, okay? Then I ask them, okay? So I don't want that I keep on speaking, I keep on telling you something about anything. You should also respond in the class. So that we have an interactive session, okay? And if I'm asking you something, then you should answer. Yes, no, whatever it comes to your mind, you should answer at least. Okay? Yes, so anyone, how was your exam? Good morning, Abhilash. Ma'am, exam was online. Good, ma'am. Yeah, it was online, but how was the operating system exam? I mean, questions kaise the? Easy tha, difficult tha? It was good. Kaisa hua? This is I'm asking. Yes. OS ka to bahut acha hua tha. Okay, great. Then nice. Nice. Okay, numerical part was clear? Yes. Yes, ma'am. Okay, okay. ठीक है तो फर्स्ट मॉड्यूल आपका पूरा क्लियर है दैट मींस नो मैम नो मैम फर्स्ट मॉड्यूल क्लियर अभी कंप्लीट नहीं है आपका कंप्लीट है बट क्लियर नहीं है क्लियर नहीं है ओके क्या ओएस फिर से पढ़नी पड़ेगी जब हम लोग को फीडबैक दिया गया था तब भी हम लोगों ने कहा था कि कुछ भी समझ में नहीं आया जरूरत पड़ी तो उसको दोबारा स्टार्ट कर ले वो ज्यादा अच्छा है रही बात एग्जाम अच्छा की तो इतना तो आप लोगों को पता है ऑनलाइन एग्जाम हुए थे और सारे क्वेश्चन के आंसर गूगल पे थे पेपर बहुत अच्छा हुआ है बट पता कुछ नहीं है ओके ओके सो हैव यू एवर डिस्कस्ड विद योर क्लास टीचर आई मीन योर हूसोएवर वाज अ फैकल्टी मेंबर आवर क्लास एडवाइजर वाज आवर कोएस टीचर ओके बट फीडबैक हम लोगों ने बोला था जिसके बाद टीचर चेंज हुए हैं ओके ओके शेल स्क्रिप्टिंग फिर से बता देना ओके आपका लैब का भी क्लियर नहीं है इट मींस लैब बिल्कुल बोल रहा है लैब का तो बिल्कुल ही नहीं पता नहीं कुछ नहीं है इसमें तो कुछ नहीं होता था कुछ नहीं होता था नाम मतलब समझ में नहीं आया था कुछ मैं ओएस शुरू हो रहा है क्या खत्म हो रहा है कुछ नहीं आ रहा ओएस की थ्योरी सिर्फ मेरी कच्ची है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी मतलब हेल्थ इशू था जिसकी वजह से मेरी 2 महीने की क्लासेस मिस हुई थी बट लैब सबकी गोल है वो किसी को भी नहीं आती है तो वो स्टडी में प्रॉब्लम मतलब टीचिंग में शायद कुछ तो कुछ क्विज वगैरह आपकी कराई गई थी ड्यूरिंग द लैब पीरियड नो मैम नो मैम लैब में कुछ नहीं था मैम लैब का एक क्विज हुआ था जिसमें बेसिक्स कमांड्स वगैरह पूछे गए थे और वो सब कुछ सर ने बता दिया था बस प्रोग्रामिंग जो होती है ना सेल स्क्रिप्टिंग की मैम उसमें थोड़ी दिक्कत थी सर ने बोला कि गूगल कर लो और सर ने थोड़ा बहुत पढ़ाया था बट बच्चों को क्लियर नहीं हुआ ओके वन थिंग आई वांट टू आस्क यू जब आपको चीजें क्लियर नहीं हुई थी तो आप क्या उसी टाइम बोलते थे कि सर हमें क्लियर नहीं है यस मैम बोला है वो कहते थे गूगल कर लो हां यस मैम वो यही कहते थे गूगल कर लो ओके 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 आई जस्ट होप कि आपके सारे इश्यूज अब क्लियर हो जाए ठीक है So from today we'll start module 2 और हम कोशिश करेंगे कि अगर module 2 हमारा टाइमली खत्म हो जाता है तो हम थोड़ा module 1 का जो भी डाउट आपके होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे बट आवर फर्स्ट मोटिव इज टू कम्प्लीट मॉड्यूल 2 ठीक है हम अभी मॉड्यूल 2 स्टार्ट कर लेते हैं okay, और अगर excuse me, ma'am.
yes Pranay. Ma'am, can I say something? Yeah, sure, please. मैम एक्चुअली मैम देयर सम मिस्टेक मैम एक्चुअली हुआ क्या था जो फर्स्ट डे 21st को हमारी क्लास लगी थी मैम तो मैम क्वांट रीजनिंग एप्टीट्यूड हमारा सब्जेक्ट है तो मैम उसमें टाइम से पहले हमारी मीटिंग एंड हो गई थी तो मैम उसकी हमारी अटेंडेंस जो है वो एब्सेंट हो गई है मैम डिस्पाइट कि हमने वो मीटिंग ज्वाइन करी थी एक सेकेंड आप एक किस लेक्चर की बात कर रहे हो मैम क्वांट रीजनिंग एप्टीट्यूड मैम इट वाज ऑन 21st ऑफ अगस्त बट बेटा आई एम नॉट योर क्लास एडवाइजर यू शुड डिस्कस दिस थिंग विद द क्लास एडवाइजर शी कैन हेल्प यू आउट ओह आई एम सो सॉरी मैम है ना जावेदी मैम इज अ क्लास एडवाइजर यू कैन टॉक टू हर शी विल हेल्प यू आउट इन दिस मैट ओके ओके मैम या सो व्हाट आई वाज सेइंग इज वी विल स्टार्ट मॉड्यूल सेकंड फर्स्ट ओके देन इफ वी गेट टाइम एट द एंड ऑफ द सेशन देन वी कैन डिस्कस द डाउट्स of module first also ठीक है जो भी आपके doubts होंगे वो हम module first के बाद में discuss कर लेंगे but फिलहाल हम module second start करेंगे and I'll try कि अगर जैसे because complete OS is interlinked okay आपका कुछ ना कुछ topics linked होंगे so I'll start with chapter deadlock okay अगर deadlock के अंदर आपको ऐसे कुछ terms लगती हैं जो आपने पहले सुनी है but you do not know about them तो यू कैन आस्क कि मैम मुझे ये टर्म समझ में नहीं मुझे नहीं पता है व्हाट इज दिस तो यू कैन आस्क आई विल आंसर यू एट दैट टाइम ओनली ओके सो डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज अ डेडलॉक नो मैम मैम जब इनफिनाइट वेटिंग की प्रॉब्लम आती है तो वो डेडलॉक की कंडीशन में हो जाता है यस ओके एनीवन एल्स ये इनफिनाइट वेटिंग आती कैसे क्यों आती है इनफिनाइट वेटिंग देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड दैट एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर उस टाइम पे अगर एक टाइम पे प्रोसेस अगर एंटर हुआ है क्रिटिकल सेक्शन में तो उस टाइम पे अगर सेकंड प्रोसेस भी एंटर होना चाह रहा है बट वो एंटर नहीं कर पा रहा है तो ओके इनफिनाइट वेटिंग लेट्स मेक इट अंडरस्टैंड बाय गिविंग एन एग्जांपल आई एम गिविंग एन एग्जांपल सपोज देयर आर टू स्टूडेंट्स आई हैव ओके दे बोथ वॉन्ट्स टू मेक नोट्स उनको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं सो फॉर मेकिंग नोट्स दे जस्ट नीड टू रिसोर्सेस वन पेन एंड अ पेपर ओके बोथ स्टूडेंट्स वॉन्ट अ पेन एंड अ पेपर आई एम ऑपरेटिंग सिस्टम आई एम एक्टिंग लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओके आई विल असाइन देम रिसोर्सेस सो हियर व्हाट आर द रिसोर्सेस आई हैव यहाँ पर रिसोर्स क्या है मेरे एग्जाम्पल में कागज पेन एंड पेपर राइट सो आई हैव सिंगल पेन एंड पेपर टू गिव टू दोस टू स्टूडेंट्स लेकिन दोनों को पेन पेपर चाहिए तो दो पेन दो पेपर होने चाहिए मेरे पास बट आई हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज आई हैव ओनली अ सिंगल पेन एंड अ सिंगल पेपर नाउ सपोज फर्स्ट स्टूडेंट कम्स टू मी एंड आस्क मी फॉर अ पेन Right now, I have pen. I'll give it to that student. After some time, second student comes to me to ask a paper. I have paper with me. I'll give paper to that student. Now, first student who has got the pen in the first request, now it comes to have a paper. वो paper के लिए request कर रहा है मेरे से. Do I have paper with me now? No, ma'am. I no, do not ma'am. Have because I have already given that paper to student 2. Yes. No, ma'am. So, no, ma'am. What will happen here? Student 1 will have to wait. Okay? Will have to wait for the paper. Lekin wo paper kiske paas hai? Student 2 ke paas. Student 2 us paper ko kab release karega? Jab uska task complete ho jayega. Jab uska execution complete ho jayega. Uska execution kab complete hoga? जब उसके सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे नाउ स्टूडेंट 2 कम्स टू मी टू आस्क फॉर अ पेन थोड़ी देर बाद उसको पेन की जरूरत पड़ेगी वो मेरे पास आएगा मेरे पास पेन है ही नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले स्टूडेंट को दे चुकी हूँ पेन तो सेकेंड स्टूडेंट क्या करेगा वेट करेगा पेन के लिए यहां तक एग्जाम्पल क्लियर है तो बताइए क्लियर है ओके नाउ सेकेंड स्टूडेंट वेट कर रहा है कि उसको पेन मिले
जब तक उसको पेन नहीं मिलेगा वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाएगा. तो वो किस पे डिपेंडेंट हो गया? फर्स्ट स्टूडेंट पे डिपेंडेंट हो गया. यस मैम. अब फर्स्ट स्टूडेंट किसके लिए वेट कर रहा है? पेपर के लिए, जो किसके पास है? सेकंड स्टूडेंट के पास. तो फर्स्ट स्टूडेंट किसके कंप्लीट होने का वेट कर रहा है? सेकंड स्टूडेंट का. और सेकंड स्टूडेंट फर्स्ट का वेट कर रहा है. तो अब आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टूडेंट जब तक कंप्लीट नहीं करेगा, जब तक उसको पेपर नहीं मिलेगा, और पेपर कब मिलेगा? जब सेकंड स्टूडेंट अपना काम कंप्लीट कर लेगा. और सेकंड स्टूडेंट अपना काम कब कंप्लीट करेगा? जब उसको पेन मिलेगा. और पेन किसके पास है? P1 के पास, जो कि ऑलरेडी वेट कर रहा है किसी रिसोर्स के लिए. सो दिस इज, तो अब क्या होगा? दोनों अपना काम नहीं कर पाएंगे. ना तो फर्स्ट स्टूडेंट अपना काम आगे कर पाएगा, ना ही सेकंड स्टूडेंट अपना काम आगे कर पाएगा. दिस इज डेडलॉक सिचुएशन. समझ में आया व्हाट इज अ डेडलॉक? यस मैम. सो बेसिकली इट डेडलॉक आर अ सेट ऑफ ब्लॉक्ड प्रोसेसेस, ईच होल्डिंग अ रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर सम अनदर रिसोर्स. ऐसे ब्लॉक्ड प्रोसेसेस हैं, ऐसे प्रोसेस जो ब्लॉक्ड है. क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ तो होल्ड कर रखा है और किसी रिसोर्स के लिए वेट भी कर रहे हैं सेम टाइम पर. जैसे स्टूडेंट वन ने एक रिसोर्स मतलब पेन को होल्ड कर रखा था और पेपर के लिए वो वेट कर रहा था. इज इट क्लियर? यस मैम. ओके, नाउ आई एम शेयरिंग द पीपीटी विद यू. So, in multi-programming environments, several processes are competing for number of resources. So, a process requests resources, and if the resources are available at that time, the process enters into, is not available at that time. अगर वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है उस टाइम में तो क्या करेगा? वो वेट करेगा. And the waiting state of the process may never again be changed because the resource they are requesting are held by some other waiting processes in the queue. The situation is called deadlock. मैं इस पूरी स्टेटमेंट को आपको बहुत ही क्लियर वर्ड्स में बता चुकी हूँ. So I hope that this statement is clear to you all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, great. Now next, deadlock, that the same thing. Deadlock are the set of block processes, each holding a resource and waiting to acquire resource held by another process. Example, system has two tape drives, दो tape drives है system के पास और दो process है, उन दोनों को दोनों drives चाहिए. जैसे जिस type का example मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया है वैसा ही कुछ ये example है. ठीक है, तो I think it is clear to you this example, right? Next is definition. It is a set of processes in a deadlock state. When every process in the set is waiting for an event, that can only be caused by another process in the set. मतलब कि वो एक सेट ऑफ प्रोसेसेस हमारे डेडलॉक स्टेट में क्या होते हैं? वो किसी ना किसी इवेंट के लिए, किसी ना किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहे होते हैं. ठीक है, और वो कैसा रिसोर्स होता है? जो किसी और ने होल्ड कर रखा है. ठीक है, सो दीज टू स्लाइड्स वर जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ डेडलॉक. एंड इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, देन दीज टू स्लाइड्स मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल्सो. दिस इज ए एग्जाम्पल जो कि आप बहुत ही रियल लाइफ में भी आपने कभी फेस किया होगा. जैसे आपका होता है ना एक बहुत ही रोड, काफी उसका विड्थ ज्यादा नहीं होती, तो उसमें सिर्फ सिंगल वे रोड होता है जो. ठीक है, सिंगल वे में क्या होता है? सपोज करो अगर दोनों तरफ से कार आती है तो क्या होता है? ना तो वो आगे बढ़ पाता है ना वो आगे बढ़ पाता है. ऐसा होता है? यस मैम. आपने देखा होगा रियल लाइफ में, राइट? तो क्या होता है, तो एक को पीछे लेनी पड़ती है कार. जैसे अगर सामने दोनों आ गए तो या तो ये पीछे लेगा जिससे कि ये निकल पाए, या फिर ये अपनी कार को पीछे लेंगे जिससे कि ये कार निकल पाए. ऐसा होता है? अगर दोनों अड़े रहेंगे एक जगह पर तो दोनों ही नहीं निकल पाएंगे. Yes, और ऐसा कभी कभी होता भी है. लोग नहीं, एक वेट करता है कि आप पीछे हटिए, ये वेट करता है आप पीछे हटिए. जब तक दोनों नहीं हटते हैं तो वो दोनों खड़े रहते हैं ना, वो दोनों कोई इनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता है. ठीक है,
तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डेडलॉक. जैसे कि क्या है, हमने बोला है ट्रैफिक ओनली इन वन डायरेक्शन. हमारा ट्रैफिक क्या है, एक डायरेक्शन में है, मतलब देयर आर सिंगल वे रोड. ओके, अब जो भी सेक्शंस है हमने उसको रिसोर्स मान लिया है, जो ये सेक्शन है, ये सेक्शन है. अब मेरी कार इस सेक्शन में खड़ी है और ये वाली कार इस सेक्शन में है. अब इस कार को ब्रिज को क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सेक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा. उसको इस सेक्शन के थ्रू जाएगा वो ब्रिज क्रॉसिंग. नहीं क्लियर है? यस मैम. राइट, तो सिमिलरली जो मेरी ये वाली कार है ये भी इसी वे से जाएगी, उसको ये वाला ब्लॉक सेक्शन चाहिए, है ना. तो क्या करना पड़ेगा, जब तक अगर दोनों नहीं अपना सेक्शन फ्री करेंगे, दोनों अड़े रहेंगे, कोई भी नहीं निकल पाएगा, तो ये भी क्या हो गया, आपके दोनों कार्स ब्लॉक हो गई हैं. दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डेडलॉक सिचुएशन. तो इसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है कि जो मेरी ये वाली कार है या तो ये अपने पिछले वाले ब्लॉक में चली जाए जिससे कि इसको रास्ता मिल जाए, ये इस ब्लॉक में आ सके, या फिर ये वाली कार अपना प्रीवियस ब्लॉक में चले जिससे कि ये वाली कार मेरी इस ब्लॉक से होते हुए ब्रिज को क्रॉस कर सके. इज इट क्लियर? यस मैम. ओके ग्रेट. नेक्स्ट सिस्टम मॉडल. आई हैव अ सिस्टम दैट इज अ जनरल सिस्टम मॉडल एंड देयर विल बी सम रिसोर्स टाइप. सपोज आई हैव सीपीयू साइकिल, आई हैव मेमोरी. रिसोर्स कैन बी एनी कंप्यूटिंग डिवाइस. ठीक है, आई हैव सम इनपुट आउटपुट डिवाइस विद मी. सो ऑल दीज आर द रिसोर्सेज. सो आर रिसोर्स टाइप कैन बी फ्रॉम R1, R2 टू RM. ओके, ईच रिसोर्स टाइप RI हैज WI इंस्टेंसेस. हर एक रिसोर्स टाइप के मल्टीपल या फिर सिंगल इंस्टेंस हो सकता है, मतलब कि उसके कॉपीज. ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास R1 के 2 इंस्टेंस है, तो इससे क्या समझ में आता है आपको? मतलब R1 में जो भी रिसोर्स है वो मेरे पास उसकी क्वांटिटी 2 है. एग्जैक्टली, उसकी 2 कॉपीज है एक तरीके से, मतलब कि मैं उस रिसोर्स को 2 प्रोसेस को दे सकती हूँ एट अ टाइम, है ना. जैसे कि मेरे पास अगर 2 पेन होते तो मैं बोलती कि मेरे पास पेन रिसोर्स के 2 इंस्टेंस है, तो मैं 2 स्टूडेंट को वो पेन एक साथ दे सकती हूँ. एक को दे दिया मैंने एक स्टूडेंट को, सेकेंड वाला दिया मैंने नेक्स्ट स्टूडेंट को. ओके, नेक्स्ट इज व्हेनेवर अ प्रोसेस वांट्स टू यूटिलाइज अ रिसोर्स इट कैन यूटिलाइज इट बाय फॉलोइंग 3 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज रिक्वेस्ट. फर्स्ट द प्रोसेस विल हैव टू रिक्वेस्ट फॉर अ रिसोर्स. सबसे पहले उसको रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी दैट आई वांट टू यूटिलाइज द रिसोर्स. एंड व्हेन इट विल रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स देन ऑपरेटिंग सिस्टम विल चेक वेदर द रिसोर्स इज अवेलेबल और नॉट. ओके, क्या रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं है. अगर रिसोर्स अवेलेबल है तो क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस रिसोर्स को एलोकेट कर देगा, उस जो जिस प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की है उसको एलोकेट कर देगा. बट इफ द रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल, अगर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, प्रोसेस विल हैव टू वेट. ओके, नाउ if we talk about the first case that if the resource is available then the resource will be allocated to the process and the process can use that resource. After using that resource and after the completion of its execution it will have to release all the resources. जो भी resources उसने hold कर रखे थे उन सबको उसे release करना पड़ेगा अपने execution के बाद. ऐसा नहीं कि उसका काम भी खत्म हो गया फिर भी उसे रिसोर्स अपने पास रख रखे हैं. नो, ठीक है, जब उसका काम खत्म हुआ उसको रिसोर्स वापस करने होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को. ठीक है, सो दीज आर 3 स्टेप्स टू यूटिलाइज अ रिसोर्स. ओके, नेक्स्ट इज डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन. डेडलॉक कैन अराइज इफ 4 कंडीशंस होल्ड साइमल्टेनियसली. अगर हमें ये देखना है कि डेडलॉक हो रहा है नहीं हो रहा है तो ये
हम चार कंडीशंस की बात करेंगे. इफ दीज फोर कंडीशंस होल्ड साइमल्टेनियसली, अगर ये चारों कंडीशंस एक साथ में ट्रू हो जाती हैं, तो देयर विल बी द चांस, देयर विल बी द हाई चांसेस ऑफ डेडलॉक. ओके, फर्स्ट कंडीशन इज एटलीस्ट वन सोर्स मस्ट बी नॉन शेयरेबल मोड. अगर आपका रिसोर्स नॉन शेयरेबल है, नॉन शेयर मतलब कि एक टाइम पे उसको एक ज्यादा प्रोसेस शेयर नहीं कर सकता, ठीक है. That is only one process at time can be can use a resource. If another process requests that resource, the requesting process must be delayed until the resource has been released. अगर मेरा एक ही एक time पे एक ही process request कर मतलब use कर सकता है resource को, अगर उसके use करते वक्त कोई दूसरा process request करता है, तो उसके request को हम delay करेंगे कब तक, जब तक कि मेरा पहले वाले process से वो resource release नहीं हो जाएगा. Okay, so resource shares such as read-only files do not lead to deadlocks, but resources such as printers and tape drives access by a single process. जैसे आपकी जो read-only files होती हैं, जिनमें modification करने को, तो वो हमारे कैसे हैं? वो हमारे shareable resource हैं, मतलब कि एक time पे multiple process उस file को read कर सकते हैं. क्योंकि सिर्फ read करना है, कोई modification, कोई writing तो करनी नहीं है उसमें. तो रीड ओनली फाइल हमारी ऐसी रिसोर्स है जिसको एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस यूज कर सकते हैं. बट वी इफ वी टॉक अबाउट नॉन शेयरेबल रिसोर्स सच एज प्रिंटर्स, टेप ड्राइव्स, कैन यू प्रिंट टू यू नो टू डॉक्यूमेंट्स एट अ टाइम? ऐसा हो सकता है कि आपका प्रिंटर दो डॉक्यूमेंट एक साथ निकाल रहा है? एक टाइम पे वो एक ही पेज निकालेगा ना? Yes, ma'am. So that is a non-shareable resource. ठीक है, तो उस इन रिसोर्स से क्या सीन है, इन रिसोर्सेस को एक टाइम पे एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है. ठीक है, दैट इज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन. म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपने सिंक्रोनाइजेशन में भी पढ़ा होगा. म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है क्या? यस मैम, पढ़ा है. तो उसका मतलब है कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस उस रिसोर्स को यूज कर सकता है. सिंक्रोनाइजेशन के अकॉर्डिंग उसका मतलब था कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकता है. ओके, दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन इज होल्ड एंड वेट. A process must be holding some resource and waiting to acquire some additional resource that are currently being held by some another resource processes. Agar suppose ek process hai, usne koi resource hold bhi kar rakha hai aur wo kisi second resource ke liye wait bhi kar raha hai at the same time. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि स्टूडेंट ने, फर्स्ट स्टूडेंट ने पेन होल्ड कर रखा था और वो पेपर के लिए वेट कर रहा था. ठीक है, दैट इज होल्ड एंड वेट कंडीशन. क्लियर है? यस मैम. नेक्स्ट इज नो प्रीएम्प्शन. नो प्रीएम्प्शन मींस रिसोर्सेज कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड, दैट इज रिसोर्स कैन बी रिलीज्ड ओनली वॉलंटरीली बाय द प्रोसेस होल्डिंग इट आफ्टर द प्रोसेस हैज कंप्लीटेड इट्स टास्क. मतलब अगर प्रीएम्प्शन नहीं हो रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय नो प्रीएम्प्शन एंड प्रीएम्प्शन? टाइम शेयरिंग. टाइम शेयरिंग, नो. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्रीएम्प्शन, नो प्रीएम्प्शन? आपने एल्गोरिथम्स पढ़ी होंगी, प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव. यस मैम. क्या मतलब था उनका? मैम, नॉन प्रीएम्प्शन में जब तक वो प्रोसेस एग्जीक्यूट पूरा नहीं होगा तब तक कोई दूसरा प्रोसेस नहीं लगा. प्रीएम्प्शन में हम जो प्रोसेस चल रहा है उसके बीच में हम दूसरा प्रोसेस भी लगा सकते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. यस, इन प्रीएम्प्शन इफ अ प्रोसेस इज रनिंग देन वी कैन नॉट प्रीएम्प्ट दैट प्रोसेस, वी कैन नॉट स्टॉप इट्स एग्जीक्यूशन इन बिटवीन. ओके, इफ नो मैटर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कम्स, चाहे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए, अगर लो प्रायोरिटी का प्रोसेस एक बार स्टार्ट हो गया तो उसके काम खत्म होने से पहले हम उसको बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते. इसको आप इस लेम लैंग्वेज में समझिए. प्रीएम्प्शन में क्या है कि अगर एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया और उसके बीच में कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है तो वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस उस रनिंग प्रोसेस को बीच में रोक सकता है, बीच में प्रीएम्प्ट कर सकता है. दैट इज प्रीएम्प्शन. ओके,
सो दिस कंडीशन इज नो प्रीएम्प्शन. अगर आपका प्रीएम्प्शन नहीं हो रहा है, देखो अब इसको समझिए आप कि सपोज मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था टू स्टूडेंट्स का, अगर मैं प्रीएम्प्शन अलाउ कर देती तो क्या होता, सेकेंड वाला स्टूडेंट पहले वाले स्टूडेंट को प्रीएम्प्ट करके उसके रिसोर्सेज रिलीज करा के अपना काम कर सकता था. वॉज इट पॉसिबल? यस. सेकेंड स्टूडेंट फर्स्ट वाले को प्रीएम्प्ट करता, जैसे प्रीएम्प्शन होता वो उसको रिसोर्स रिलीज करने पड़ते अपने, और जैसे वो रिसोर्स रिलीज करता पेन अवेलेबल हो जाता जिसके लिए वेट कर रहा था, और वो सेकेंड वाला स्टूडेंट अपना काम कंप्लीट कर लेता, है ना. पर अगर मैं बोलूं नो प्रीएम्प्शन, मतलब कि अगर एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है अपना काम करना तो उसके बीच में हम उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, उसके बीच में हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है. तो ये आपका है नो प्रीएम्प्शन. अगर नो प्रीएम्प्शन नहीं अलाउड है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन रखना है, होल्ड एंड वेट रखना है, फोर्थ सर्कुलर वेट व्हिच आई विल एक्सप्लेन यू, अगर ये कंडीशंस हैं, ट्रू हैं, तो मतलब आपका डेडलॉक होने के काफी हाई चांसेस है. ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग द लास्ट कंडीशन, सर्कुलर वेट. सपोज आई हैव अ सेट ऑफ प्रोसेसेस पी नॉट टू पी एन ऑफ वेटिंग प्रोसेस. इसको मैं आपको एक डायग्राम समझाती हूँ, देन यू विल बी अंडरस्टैंड. यस, सो कैन यू सी द बोर्ड? ओके, अब थोड़ा ध्यान से इस एग्जांपल को समझना. आई हैव पी जीरो प्रोसेस, I have P0 process. P0 process ने A resource को hold कर रखा है. I have P1 process. उसने B को hold कर रखा है. I have P2 process. उसने C को hold कर रखा है. I have P3 process. उसने D को hold कर रखा है. ठीक है? P0 को B resource चाहिए अपने काम को complete करने के लिए. तो वो किस पे डिपेंडेंट है? P1 पर, क्योंकि B किसके पास है? P1 के पास है. Yes, P1 के पास B है, लेकिन P1 को C भी चाहिए. P1 C के लिए वेट कर रहा है, तो वो किस पे डिपेंडेंट है? P2 पर डिपेंडेंट है मेरा. P2 के पास C है, बट P2 इज वेटिंग फॉर रिसोर्स D. So for which resource it is waiting? P3. It is dependent on P3. P3 has resource D, but it is waiting for resource A. So it is waiting for which resource? P0. A resource ke liye wait kar raha hai, and it is dependent on P0. So here it is dependent on P0. So can you see the cycle here? Circular waiting. P0, P0 is waiting for P1, P1 is waiting for P2, P2 is waiting for P3, and P3 is waiting for P0. Yes? Yes, ma'am. This is circular waiting. अब clear हुआ circular wait क्या है? Yes, ma'am. Okay. Yes. So a set of processes of waiting process must exist such that P0 is waiting for P1, P1 is waiting for P2 and so on, and Pn is waiting for P0, meeting the circular condition which I have explained to you. All the four conditions must occur to deadlock to occur in the system. Agar deadlock ho raha hai to matlab ye charo conditions definitely true hongi aapki. Is it clear? Yes, ma'am. इन चारों कंडीशंस में कोई डाउट है तो बताओ. ओके, वन मोर थिंग, ये आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है. अभी तो टाइम कम है, ये स्टार्ट करने का फायदा नहीं है. तो बेटा मैं आपको फिर से ब्रीफ कर देती हूँ इस लेक्चर का. डेडलॉक यू ऑल नो,
It is set of blocked processes, each holding the resource and waiting to acquire resource held by another process. And the procedure to utilize a resource is followed by three steps: request, use, and release. And deadlock can arise if four conditions hold simultaneously. First one is mutual exclusion, second one is hold and wait, and third one is no preemption, and fourth one is circular wait. So I think we should start with this resource allocation graph also. It will take hardly 10 minutes. Okay, let's start it. पिछले वाले में कोई डाउट नहीं है ना? Yes ma'am. Okay, है क्या? Yes. No preemption. No, मतलब डाउट नहीं है. Okay, 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 fine. This next is resource allocation graph. It is a set of vertices V and a set of edges E. Okay, बेटा, if you feel कि I am going very fast, तो please let me know. अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत fast पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हर एक का अपना वो होता है पेस, समझने का भी और समझाने का भी. तो अगर आपको लगे तो प्लीज मुझे बता देना कि मैम आप एक बार मैसेजेस भी देख लीजिए. क्या देख लूं? अच्छा, मैसेजेस. मैसेजेस भी देख लीजिए मैम चैट्स में. एक मिनट, एक मिनट. एक्चुअली मेरे फुल स्क्रीन में है ना, तो इसलिए शो नहीं होता मैसेजेस. वेट. हाँ हाँ, ओके ओके, फाइन. एक मिनट, आई गॉट योर क्वेश्चन. ओके, सो नो प्रियम्पशन. नो प्रियम्पशन में मतलब है कि मैं प्रियम्प्ट नहीं करने दे रही हूं. अगर कोई हायर प्रायोरिटी का रिसोर्स प्रोसेस भी आ गया है, या फिर कोई प्रोसेस है वो वेट कर रहा है किसी रिसोर्स के लिए जो कि दूसरे प्रोसेस ने होल्ड कर रखा है, तो सेकेंड वाला प्रोसेस फर्स्ट वाले को प्रियम्प्ट नहीं कर सकता. अगर ये चीज है, दैट इज नो प्रियम्पशन. ओके, चलिए. नाउ नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. इन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ वी इज पार्टीशन इनटू टू टाइप्स. देयर इज सेट ऑफ पी व्हिच हैज अ प्रोसेसेस फ्रॉम P1 टू PN एंड आर हैविंग रिसोर्सेस फ्रॉम R1 टू RM. अगर आपकी एज जाती है प्रोसेस से रिसोर्स पर, मतलब होता है ना कि प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स, तो एज कहां से कहां होगी? प्रोसेस से रिसोर्स पर, दैट इज रिक्वेस्ट एज. और अगर रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ एज है, जैसे कि यहां पर रिसोर्स से एज जा रही है प्रोसेस की तरफ, मतलब कि आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि रिसोर्स जा रहा है प्रोसेस की तरफ, तो मतलब कि एलोकेट कर रहे हैं हम उसको रिसोर्स. और अगर प्रोसेस की तरफ से एज जा रही है, मतलब कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है. ठीक है? यस मैम. ओके, नेक्स्ट इज आपकी, क्या इसमें हम सिंबल्स यूज करेंगे? फॉर प्रोसेस वी विल यूज सर्कल एंड फॉर रिसोर्स वी विल यूज स्क्वायर. और जितने इंस्टेंस होंगे उतनी ही आपके डॉट्स होंगे. जैसे इसमें फोर डॉट्स है, मतलब फोर इंस्टेंसेस है मेरे पास. PI रिक्वेस्ट इंस्टेंस ऑफ RJ, तो इस तरीके से एज होगी. रिक्वेस्ट एज कौन सी होती है? इट इज फ्रॉम प्रोसेस टू रिसोर्स. तो पी प्रोसेस से रिसोर्स पर एज है मेरी. होल्डिंग या फिर असाइनमेंट एज कौन सी होगी? रिसोर्स से प्रोसेस के पास. देखो, आपका ये वाला जो इंस्टेंस है, दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस इज गिवन टू प्रोसेस PI. ओके, ओके. नेक्स्ट, दिस इज एन एग्जांपल. Here is set of P which has processes P1, P2, P3. Here is set of R which has resources R1, R2, R3, R4. Now you tell me which one is request edge and which one is assignment edge in this diagram. And if I am giving name to the edges, you tell me. Suppose this is first edge, this is second, this is third, this is fourth, this is five, and this is six. So which one is requesting edge and which one is assignment edge? Ma'am, first request कर रहा है और second assign हो रहा है. Okay. Third भी request कर रहा है. Third भी ma'am. Fourth request कर रहा है. Fourth request. Okay. Yes. And fourth?
फोर्थ असाइन हो रहा है मैम. असाइन हो रहा है मैम. असाइन. फिफ्थ असाइन. फिफ्थ भी असाइन हो रहा है एंड सिक्स्थ भी. वेरी गुड. मतलब कि फर्स्ट और थर्ड एज इज रिक्वेस्टिंग एज और बाकी सारी सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कौन सी एज है आपकी असाइनमेंट एज है. ठीक है किसी को इसमें डाउट हाउ वी आइडेंटिफाइड द रिक्वेस्ट एंड असाइनमेंट एजेस. मैम एक बार और बता दे. देखो बेटा आपकी रिक्वेस्ट एज होती है प्रोसेस से रिसोर्स के पास जाती है. असाइनमेंट एजेस फ्रॉम रिसोर्स टू प्रोसेस. ये दो चीज याद रखो बस. अब देखो फर्स्ट एज इज फ्रॉम प्रोसेस टू रिसोर्स. सो दिस वन इज टेल मी यू आस्क मी टू एक्सप्लेन दिस एटलीस्ट रिस्पॉन्स. Process to response, huh? Process to resource. First is from process to resource. So which one is? So which is? Which edge is this? Assignment. It's assigned. Process se resource par edge ja rahi hai. Ye request edge hoti hai. Request edge. Aap isko aise yaad karo. Process se resource par ja rahi hai. Matlab ki process request kar raha hai. भाई प्रोसेस तो रिक्वेस्ट ही करता है ना रिसोर्स के लिए. यस मैम. अब अगर रिसोर्स से प्रोसेस के पास जा रही है मतलब कि रिसोर्स प्रोसेस के पास जा रहा है तो वो क्या कहला उसको हम क्या कहते हैं. असाइनमेंट एज. असाइनमेंट बोलते हैं ना कि हम उसको असाइन कर रहे हैं रिसोर्स को. यस मैम. अब याद रहेगा. यस मैम याद रहेगा. अब देखो ये आपका रिसोर्स से प्रोसेस के पास जा रही है. Yes, ma'am. तो ये कौन सी है? Assignment. Third edge is from process to resource. Ma'am, requesting. This edge is from resource to process. Fourth one. Assignment. This is from resource to process. Ma'am, this one is also assignment. This one is from resource to process. Assignment. अब clear हो गया? Yes, ma'am. चलिए very good. Okay. Next is अब आपका आता है अगर मेरे पास resource allocation graph है then how I can identify the deadlock situation whether deadlock situation is present or not. अब आप यहाँ पर देखो और मुझे बताओ कि इसमें डेडलॉक है या नहीं. ठीक है आई एम एक्सप्लेनिंग यू स्टेप बाय स्टेप. हेयर इज अ रिसोर्स. ओके ये वाली एज रिक्वेस्ट कर रही है P2 से है ना. आप इसको ऐसे समझ लीजिए मैं आपको बताती हूँ. मेरे पास तीन प्रोसेस है P1 P2 और P3. P1 के पास कौन सा रिसोर्स है आप लोग बताइए. R1 और R2. P1 के पास R1 भी है R2 भी है. R1 एंड R2. बेटा P1 R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है उसको अभी R1 मिला नहीं है. जब उसको R1 मिलेगा ना तो एज ये कन्वर्ट हो जाएगी इसमें R2. अब क्लियर हुआ क्यों R1 नहीं है उसके पास. यस मैम. यस मैम. ठीक है ओके. नाउ P1 के हैज ओनली R2 और ये किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है बेटा. R1 के लिए. देखो R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है ना यहाँ पर ये. तो ये रिक्वेस्ट किसके लिए कर रहा है मतलब वेट किसके लिए कर रहा है. R1 के लिए. P2 के पास कौन सा रिसोर्स है. R1 और R2 के पास R1 भी है और R2 भी है. देखो ऐसे पहचानो कितनी एजेस है इसके पास. एक तो ये वाली एज है एक ये वाली एज है और एक ये वाली एज है. इनमें से असाइनमेंट एज कौन कौन सी है. एक तो ये वाली है असाइनमेंट एज
एक ये वाली है, तो उसके पास R1 है और R2 है, और कौन सी रिक्वेस्टिंग एज है, ये वाली, मतलब R3 के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है। Yes, ma'am. Next, P3. P3 के पास कौन सा रिसोर्स है? R3. 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 और P3 वेट किसके लिए कर रहा है? R2. R2. चलिए ठीक है, अब मुझे बताइए आप, देयर इज सम मैसेज। अब R4 का कुछ मतलब ही नहीं है किसी से, R4 का किसी को जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर P1 वेट कर रहा है R1, R2 है उसके पास, लेकिन उसको R1 चाहिए, वो R1 के लिए वेट कर रहा है। R1 किसके पास है? P2 के पास। P1 किस पे डिपेंडेंट हो गया मेरा? P2 पे। ठीक है, अब P2 R1 को कब रिलीज करेगा? जब उसको R3 मिल जाएगा और वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, अब R3 कैसे मिलेगा उसको? P3 से। P3 से। P3 अपना काम कब कंप्लीट करेगा? जब R2 से R2 मिलेगा। R2 कहाँ से मिलेगा उसको? P1 से। P1 और P2। देखो यहाँ पर P2 वेट कर रहा है P3 के लिए, डिपेंडेंट P3 पर है, और P3 को R2 चाहिए जो कि P1 के पास है, तो P3 P1 पे डिपेंडेंट है। तो ये आपकी क्या सिचुएशन, डेडलॉक है? डेडलॉक नहीं है यहाँ पर। डेडलॉक है। डेडलॉक सिचुएशन है। सर्कुलर वेटिंग आ गई। यस मैम। तो दिस इज डेडलॉक सिचुएशन। यस। विल यू बी एबल टू आइडेंटिफाई डेडलॉक सिचुएशन यूजिंग रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ? यस मैम। ओके, now I am giving you another example. This is example. Now here we have cycle. देखो इसमें भी resource allocation graph में cycle थी, लेकिन यहाँ पे deadlock था। अब यहाँ पर cycle है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर deadlock है या नहीं है। Okay, now you tell me, I have processes P1 and P2 and P3. Okay. P1 के पास कौन सा रिसोर्स है? R2 and requesting for R1. Very good. P1 has R2 and it is requesting for R1. P2? R1. P2 have R1. And requesting for nothing. Requesting for... भाई एक ही एज है ना उसके पास, देखो एक ही एज जा रही है P2 के पास, और वो भी असाइनमेंट एज है ना। नंबर ऑफ एजेस देखो कितनी एजेस है प्रोसेस के पास। नाउ P3, P3 के पास दो एजेस है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, विच वन इज असाइनमेंट? मैम P3 इज रिक्वेस्टिंग फॉर R2 एंड हैव R1। वेरी गुड, P3 हैज R1 एंड इट इज रिक्वेस्टिंग फॉर R2। नाउ लेट्स सी, P1 हैज R2 एंड इज वेटिंग फॉर R1, उसको R1 कहां से मिलेगा? P2 से। P2 से मिलेगा। अब P1 किस पे डिपेंड हो गया आपका? P2। अब भाई P2 कब आपका रिलीज करेगा R1 को? जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई P2 किसी के लिए वेट भी नहीं कर रहा, तो कहीं कभी ना कभी P2 काम कंप्लीट हो ही जाएगा, क्योंकि yes, उसको जो रिसोर्स चाहिए था वो उसके पास है। तो yes. P2 अपना काम जब कंप्लीट कर देगा तो वो R1 को रिलीज कर देगा नहीं करेगा? कर देगा। जैसे ही आपका R1 रिलीज होगा, P1 को R1 मिलेगा नहीं मिलेगा? यस मैम, मिल जाएगा। P1 को R1 मिलते ही P1 अपना काम कंप्लीट करेगा, और जैसे से काम कंप्लीट हो जाएगा, P1 अपने रिसोर्सेस को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। तो बेटा P1 किस किस को रिलीज करेगा? R1 को भी और R2 को। R2 को भी। अब P3 पे आते, P3 के पास कौन सा रिसोर्स है? R1। किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है? R2 के लिए। तो अब उसको R2 अवेलेबल मिलेगा नहीं मिलेगा? यस मैम, मिल जाएगा। मैम मिल जाएगा R2, तो P3 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर डेडलॉक हो रहा है आपका? नो मैम, नहीं हो रहा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आपकी साइकिल है, देखो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड बता देती हूँ, ग्राफ कंटेन्स नो साइकिल, मतलब डेडलॉक नहीं है।
अगर ग्राफ में साइकिल है और सिर्फ एक ही इंस्टेंस है हर रिसोर्स का तो डेडलॉक हो सकता है, अगर सेवरल इंस्टेंसेस है तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि साइकिल अगर है तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। अगर एक इंस्टेंस है तो होगा, अगर सेवरल इंस्टेंसेस है तो पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा। क्लियर है यहां तक सभी को? यस मैम। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक्स। डू यू हैव द पीडीएफ ऑफ बुक गैल्विन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दैट, जिससे कि आपके डाउट्स टाइमली मेरे पास आते रहे और वो एक साथ फिर इकट्ठे ना हो एंड में जाके, है ना। तो आप सब पूछते रहेंगे तो आपको आगे का भी समझ में आता रहेगा, अगर आप अभी समझ में नहीं आएगा तो आपको आगे की चीजें भी समझ में नहीं आएंगी। सो बेटर टू क्लियर डाउट्स एट द राइट टाइम। ओके, चलिए क्लास, थैंक यू सो मच। नाउ यू ऑल मे लीव। थैंक यू मैम।